सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक। Hello students, how are you all? Are you enjoying your studies? Nowadays we are studying your snapshot lesson 1, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. On this lesson we have given you 4 videos already, 2 videos on its title, character, hai na? And its summary also there, and we are going line to line full explanation. It's 3rd video on the line to line full explanation, and as of now of these 2 videos of line to line full explanation we have come to the story what happens. I recapitulate it for you at once. What happens is पिछले 2 पार्ट्स में क्या हुआ है मैं ये एक बार आपको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। हमने देखा अब तक कि आराम और मुराद जो हैं 2 कज़न्स हैं, है ना, दे आर आर्मेनियन बॉयज़। मुराद इज़ कंसिडर्ड टू बी क्रेजी पर्सन इन द फैमिली, है ना। वन डे इन द मॉर्निंग एट 4, है ना, AM अर्ली मॉर्निंग में जो है वो आराम को उठाता है। आराम देखता है कि मुराद जो है एक घोड़े पर बैठा है, उसे विश्वास नहीं होता है। ही इज़ फ्राइटेंड एंड डिलाइटेड बोथ। फ्राइटेंड कि उसका परिवार तो जाना जाता है ईमानदारी के लिए, कहीं ये चुरा कर तो नहीं लेकर आया गया है, और डिलाइट इसलिए है कि आज उसकी वो मुराद पूरी होने वाली है जो उसकी लॉन्गिंग होती है कि मैं हॉर्स को राइड करूं। फिर वो आराम भी अपने आप को जस्टिफाई भी करता है कि मुराद ने अगर ये घोड़ा चुराया भी है तो सिर्फ राइडिंग के लिए चुराया है, हम इसको आगे सेल नहीं करने वाले। आराम जो है जस्टिफाई करता है, स्टीलिंग ऑफ ए हॉर्स फॉर ए राइड इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टीलिंग ऑफ मनी। तो वो भी जो है उस पर राइडिंग करता है, और वो विनयार्ड जाते हैं और चर्च में जाते हैं, इरिगेशन डिचेज़ पर, और कूल ब्रीज़ का सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो एंजॉय कर। जो है मुराद जो है इतना हैप्पी है आराम के साथ कि वो सिंग करता है, सिंग नहीं करता है बल्कि वो रोर करता है ना। तो यहाँ पर आराम को लगता है कि वाकई ये जो मुराद है एक क्रेज़ी बॉय है, और ये जो क्रेज़ी वो उसको याद करता है कैसे जो डिसेंडेंट है हमारी क्रेज़ी स्ट्रीक जो परिवार में चली आ रही है, इससे पहले जो है अंकल खुशरो इस तरह के हुआ करते थे क्रेज़ी, और इस पीढ़ी में ये मुराद है ना। तो अंकल खुशरो का भी यहाँ जिक्र आता है कि वो जो हैं वो भी एक क्रेज़ी पर्सन हैं, कोई भी बात हो उनको जो है एक ही बात उसका जवाब आता है, वो रोर करते हैं कि नो हार्म इन इट, पे नो अटेंशन टू इट। एक बार इवन अराक उनका बेटा जो है ये कहकर ये खबर देता है कि देयर हाउस इज़ ऑन फायर, तो उनको भी वो पलट के यही जवाब देता है खुशरो कि नो हार्म इन इट, पे नो अटेंशन टू इट, है ना। और खुशरो की इसमें बताया गया था कहानी में कि बड़ी बड़ी मूछें हैं, ही इज़ ए बिग मैन, बिग हेड है, वो इम्पेशेंट है, गुस्से वाला है ना। तो इस तरह से मुराद जो है इस तरह अंकल खुशरो का डिसेंडेंट माना जाता है हैबिट्स में, है ना। फिर वे दोनों घोड़े को एंजॉय करते हैं आराम और मुराद, है ना, और वो उस पर गाना भी गाते हैं, आर्मेनियन हैबिट्स जो है अपनी शो करते हैं। फिर कुछ देर राइडिंग के बाद आराम को मुराद कहता है कि यू गेट डाउन नाउ एज़ ही वांटेड टू राइड इट अलोन। तो आराम कहता है कि पहले एक प्रोमिस करो कि मुझे भी आप अकेला राइड करने दोगे, है ना। तो वो कहता है कि ये मुझ पर निर्भर नहीं है, ये इस घोड़े पर निर्भर है, पता नहीं तुम्हें अलाउ करेगा कि नहीं। तो आराम नीचे उतर जाता है और मुराद जो है घोड़ा अकेला राइड करता है, और वो उसको वज़ीर नाम देता है। तो वो 5 मिनट बाद जो है घोड़ा राइडिंग करने के बाद पसीने से तरबतर होके आता है, और वो आराम को कहता है कि अब तुम राइड करो। तो आराम जब राइड करता है तो राइड कर नहीं पाता है, घोड़ा उसको नीचे गिरा देता है, और वो ना केवल उसको नीचे गिराता है बल्कि वो वहाँ से घोड़ा भाग जाता है ना। अब वो घोड़ा गुम हो गया है, तो मुराद जो है उसको ढूंढ कर वापस लाता है। तो इतने वो ढूंढ कर लाता है तो दिन हो चुका होता है, लोगों ने भी अपनी जो हैं गतिविधियां डे की जो हैं शुरू कर चुके होते हैं। तो आराम पूछता है कि अब क्या करेंगे हम, तो वो कहता है कि मुराद कहता है कि हम इसकी कहीं छुपा देंगे। तो वो पूछता है कि कहाँ छुपाएंगे, तो वो मुराद कहता है कि मैंने एक जगह देख रखी है। तो इस बात पर आराम को शक होता है कि कितने दिन से तुमने ये अपने पास रखा हुआ है जो तुम्हें जगह भी मालूम है ना। तो अब तक हमने इतना देखा कहानी में। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स। अच्छा, तुझे पता है कि छुपाना भी कहाँ है, तो मुझे ये बता कि ये कितने दिन पहले चुराया तूने। आई सेड इट, इट सडनली डांट, अब मुझे पता लगा, डांट मैंने, इट बिकेम एविडेंट टू माई माइंड, अब मुझे दिमाग में आया, परसीव हुआ, आई नाउ आई अंडरस्टूड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वो पहले भी इन सुबहों को उसको चला रहा है, फॉर सम टाइम, कई दिनों से, कुछ समय से, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मेरे पास तो ये सुबह ही आया ऑफर लेके कि राइड कर लूँ, बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि ये जानता है कि मैं भी राइडिंग को कितना पसंद करता हूँ, शायद मैं इसे राइड ना करने दूँ, खुद ही करता रहूँ, इसलिए पहले इसने अपना कई दिन चलाया है और फिर मेरे पास आया है आज ही। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, किसने कहा कि मैं चुरा कर लाया हूँ। ही सेड एनी हाउ, आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, अच्छा चलो चोरी करके नहीं लाया, ये बता कि तू कब से चला रहा है इसे, तो क्या बोला वो, नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, बस आज सुबह से ही, पहले से नहीं बस आज से। ही सेड आर यू टेलिंग द ट्रुथ, तुम सच बोल रहे हो। ही सेड ऑफ कोर्स, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उसने कहा ऑफ कोर्स सच कह रहा हूँ, आज ही चलाया है। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए, दैट इज़ व्हाट यू आर टू से, आराम तुमने भी यही कहना है कि आज ही हमें मिला है जी ये तो। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम झूठे कहलाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम इतना ही जानते हो कि हम तो सुबह से ही चला रहे हैं इसको, आज ही मिला है जी, हमें नहीं पता इससे पहले। ऑल राइट आई सेड, मैंने भी कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बान, यहाँ पर वो उसको बान देते हैं। बान क्या होता है, ए लार्ज फार्म बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, है ना, है और स्ट्रॉ और फॉर हाउस लाइफ स्टॉक, है ना। ऑफ ए डेजर्टेड विनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फतवाजियन, फतवाजियन का बहुत शानदार फार्म हुआ करता था, अब उजड़ है, तो वहाँ पर हमने उसको बांध दिया। देयर वर सम ऑट्स, ये आप देख सकते हैं, एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, बान में कुछ घास थी, ये आप देख सकते हैं, और ऑट्स थे, जई थी। ही बिगेन वॉकिंग होम, उन्हें घर की ओर हमने चलना शुरू किया। इट वाज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, उसने मुझे बताया, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि वो इस तरह अच्छे से बिहेव करे। अर्लियर वो वाइल्ड था, एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो वो जंगलियों की तरह भागता था इधर उधर। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आराम तुझे बताया है, आई हैव अ वे विद ए हॉर्स, मुझे घोड़ा चलाना आता है, मुझे घोड़े का तरीका आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनी थिंग, मैंने इसको इस लायक बना दिया कि ये जो भी करे, आई वॉन्टेड टू डू, जो मैं चाहूँ वो करे। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं, मैं घोड़ों को समझता हूँ। आई हैव अ वे विद हॉर्स। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा कि तू ये कर कैसे लेता है। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, मेरी घोड़ों से जानकारी है, मैं उन्हें समझता हूँ। ही सेड सिंपल इट इज़, येस बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, ये कैसी समझ है। आई सेड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा कि बड़ी आराम से, सिंपल, ईमानदार से, ईजी है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, कि काश मेरे में भी ये समझ होती। तो वो क्या बोला, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, कि तू तो 9 साल का ही है अभी। वेन यू गेट टू 13, जब तू 13 का हो जाएगा, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुझे ही पता लग जाएगा कि घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। आई वेंट होम एंड एट ए हर्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया क्योंकि मैं खुश था, पहली बार मैंने हाउस राइडिंग किया। तो घोड़ा नाश्ता जो मैंने सुबह किया, हर्टी, हर्टी क्या होता है, होलसम, सब्सटेंशियल, साइजेबल, लार्ज ब्रेकफास्ट किया, हैवी। दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को क्या हुआ, माई अंकल खोशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, मेरे घर आया आराम के, और कॉफ़ी और सिगरेट ली। ही सैट इन द पार्लर, और घर में पार्लर में बैठा था। पार्लर, अब देखिए आप, पार्लर का ये मतलब नहीं है ब्यूटी पार्लर, है ना, या सैलून, यहाँ पर पार्लर का मतलब है ए सिटिंग रूम इन ए प्राइवेट हाउस, घर में आपके फ्रंट रूम जो कहलाते हैं हम, रेस्ट रूम, है ना, ड्राइंग रूम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रिसेप्शन रूम, आए गए को हम जहाँ बिठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्लर। तो वो बैठा हुआ था वहाँ ड्राइंग रूम में, रेस्ट कर रहा था, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, सिप और स्मोक कर रहा था। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तो एक और आदमी हमारे घर आया। कौन आया, आराम याद कर रहा है, ए फार्मर नेम जॉन बायरो, एक फार्मर आया, किसान आया, जॉन बायरो आया। एन असीरियन, ये आप देख सकते हैं असीरियन, ये आर्मेनिया और असीरिया ये इकट्ठे हैं, ये दोनों स्टेट हैं, है ना। यहाँ से जो विलियम सरोयान के फादर भी जो हैं आर्मेनिया से असीरिया एंड देन यूएस से वो आए थे। तो कहानी में भी राइटर ने अपने ही एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल नोट छोड़ना चाहा है, तो अपनी ही कहानी उसने डाली है, अपने ही एक्सपीरियंस राइटर डाल रहा है। तो जिसको कि थोड़ी बहुत हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जॉन बायरो है, असीरियन है, जिसने थोड़ी बहुत आर्मेनियन बोलना सीख लिया है। माई ब्रदर ब्रॉड द लॉनली विजिटर कॉफ़ी, माई मेरी मदर जो थी विजिटर के लिए कॉफ़ी लाई, टबैको लाई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइन, और तब अंततः उसने क्या किया, एमिट ए लॉन्ग डीप ऑडिबल ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस। ओ क्या हुआ है ना। तो सैडली ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि जो कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया था अभी तक भी नहीं मिला। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर अंकल खुशरो क्या कहेंगे, वही जवाब है उनका जो मैंने आपको बताया। अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़ा चोरी हो गया तो क्या हो गया, व्हाट इज़ लॉस ऑफ ए हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट दी होमलैंड, क्या हमने अपना घर बार नहीं खो दिया, तो घोड़े पे ही रोने आ गया। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, ये घोड़े पर क्या, घोड़ा गुम होने पर क्या तुम रो रहे हो। दैट्स मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सरी, कि तुम तो शहर में रहते हो, तुम्हारा तो चल जाएगा, मेरा क्या और मेरी सरी का क्या। सरी क्या होता है, ए लाइट 4-wheeled व्हीकल कैरेज with 2 seats facing forwards, है ना, in late 19th century first made in Surrey, सरी में ये बनी थी सबसे पहले, इसलिए इसका नाम ही सरी रख दिया। from which the carriage was later adapted, यहाँ से वो, तो what about my Surrey, तो वो कहता है what good is a Surrey without a horse, है ना, सरी बिना घोड़े के क्या करूँगा। तो वो कहता है pay no attention to it, my uncle खुशरो रोड, इस पर भी वो चिल्लाया। आई वॉक 10 miles टू गेट हीयर, मैं 10 मील चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो शाउटेड, इस पर भी चिल्लाया, अरे तेरी टांगे तो है ना, फिर क्या हो गया आया तो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, फार्मर ने कहा मेरी तो बाई टांग दुखती है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड अगेन। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, मेरे तो $60 लगे थे, उस किसान ने कहा। अब दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है और खुशरो हर बार यही कह रहा है, पे नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट। अब वो कह रहा है मेरे $60 लगे थे, तो खुशरो क्या कहता है, आई स्पिट ऑन मनी, अरे थूकता हूँ मैं पैसे पे। माई अंकल खुशरो सेड, ही गॉट अप खड़ा हुआ, एंड स्टॉक्ड आउट, स्टॉक्ड आउट क्या होता है, टू वॉक इन एन एंग्रली और प्राउड वे, फटाफट खड़ा हुआ गुस्से में, ऑफ द हाउस स्लैमिंग, स्लैम करना दरवाजे को जोर से बुका के मारना, है ना, लाउड नॉइस के साथ। द स्क्रीन, स्क्रीन क्या होता है, द स्क्रीन दैट इज़ यूज टू सेपरेट वन एरिया फ्रॉम अनदर, एस्पेशली टू हाइड समथिंग, पर्दा कहते हैं ना वैसे। उस स्क्रीन डोर को जोर से उसने स्लैम किया और स्टॉक्ड आउट हो गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, इस तरह से उसने जॉन बायरो को मेरी माँ ने समझाया अंकल खुशरो के बारे में, बेटे इसका बुरा मत मानो, ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, उसका दिल अच्छा है। शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, क्योंकि उसको घर की याद आ रही है, एंड सच ए लार्ज मैन, और वो एक जिम्मेदार आदमी भी है इसलिए वो ऐसा करता है, तो उसका बुरा मत मान। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोराज हाउस, फार्मर चला गया और मैं भी ये बात जान के कि जॉन बायरो का वो घोड़ा है फटाफट मुराद के घर भागा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। ये आप देखिए आड़ू के पेड़ के नीचे वो बैठा है। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। ये आप देख सकते हैं घायल एक चिड़िया है रॉबिन, उसके पंखों को वो ठीक कर रहा है। विच कुड नॉट फ्लाई। तो आई हैव अ वे विद रॉबिन। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और वो पक्षी से बात भी कर रहा है। व्हाट इज इट, ये क्या है। अब क्या हुआ, वो आराम आ रहा है ना, उसकी तरफ दौड़ा दौड़ा तो कहता है व्हाट इज इट, अब क्या है। द फार्मर जॉन बायरो आई सेड। मैंने कहा अरे वो किसान जॉन बायरो आया था। ही विजिटेड आवर हाउस, हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, कि वो तो कह रहा है कि 1 महीने से गुम है, इसका मतलब तू 1 महीने से उसको यहाँ ले रहा है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। लेकिन चाहे वो लेने आ गया है, मैं तो ये बताने आया हूँ कि तू उससे प्रॉमिस चाहता हूँ मैं कि जब तक मैं ना सीख जाऊँ तो उसको वापस नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स इट शुड बी इनफ फॉर this part of this line to line explanation, है ना, it's getting lengthy, so we will continue it in part of this lesson. Hope you will join me there also and enjoy this lesson together. See you there children, bye bye.